कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बड़ा कब्रिस्तान के सामने वाली सड़क पर धरना है, खाना पकाने का इंतजाम भी यही है, क्यों? आज हम यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। धरना देने का मकसद हमारा ये है कि इसी कब्रिस्तान वाली रोड पर यहाँ पर काम शुरू किया गया, उड़ाल मारी गई, यहाँ पर मुफ्ती साहब को, कमिश्नर साहब को हरे लड्डुओं में तौला गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये इतना अहम रास्ता है कि आखिरी सफ़र इंसानों का यहीं तक होता है। ये आखिरी सफ़र वाले रोड को, यानी क्या वजह है जो इस पे इसका काम शुरू किया गया और काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है, ये क्या वजह है? हम लोग परेशान हो गए। आखिर में हमें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा कि आज हम खाना पकाना भी यहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम यहीं पर तमाम लोग यहीं पर, हम आज लोग यहीं पर मुकाम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमारा धरना देने का मकसद ये है, हम समझते हैं कि शहर के अंदर सबसे अहम रोड है, यहाँ पे रोज़ाना 10 से 15 मैयत आती है, जिसको हम हमीदिया बड़ा कब्रिस्तान हमीदिया मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और जहाँ तक हम सुनते आए अभी तक, तो एशिया का एक नंबर कब्रिस्तान है और ये रोड की हालात ऐसी खस्ता हालात है। यहाँ पे अंदर मदरसा भी चलता है बहुत बड़े पैमाने पे, कई सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। जब बारिश आती है तो ना जाने में बच्चों के हाथ में कुरान शरीफ होता है और वो बच्चे वही पानी के अंदर पैर डुबा के और मदरसों के अंदर आके किसी बच्चों को डांट लग जाता है। ये बताइए क्या मुनासिब बात है? हमारे MLA साहब ने एक साल पहले कब्ल, हमने उनके बैनर आप सब लोगों को बता रहे, क्या बाकायदा उनको तराजू में तोला गया लड्डू के साथ और लड्डू भी तकसीम किए गए, तो हम लोगों ने भी लड्डू लाए, हम भी तकसीम कर रहे भैया, हम वाटअप करेंगे, हम भी वाटअप करेंगे और हम इसके लिए वाटअप करेंगे कि मुफ्ती साहब कम से कम ये लड्डू खा के तुम रोड बना दो, तुमने तो अभी तक सबको खिलाए लेकिन हम तुमको खिला रहे आज। यानी शर्म आना चाहिए, मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ के आज प्रशासक राज है माननीय कमिश्नर साहब को कुछ शर्म आना चाहिए और ख़ास तौर से एक मुफ्ती आलिम कारी हाफिज है ना, जामा मस्जिद के पेशिमाम, ईदगाह के पेशिमाम है ता हयात तक है ना, जमीयत उलमा के सदर भी है, उन्होंने तो सब काम छोड़ना चाहिए था उन्होंने, और उनका फ़र्ज अंजाम ये देना चाहिए कि सबसे पहले ये रोड बनाना चाहिए था, और उसके बारे में आज भी मुफ्ती साहब ने किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे। यानी क्या वजह है शहर का काम, जो शहर के रोड है, जो शहर के जो रोड, यानी काम रुका हुआ उसका। भाई दादा आज तुम अगर आप लोग ये सब देखेंगे, आप यानी मैं भी देखता हूँ और आप भी देखिए, भाई दादा उनको लड्डू में तोला गया, ये आप लोग देख रहे हैं है ना, भाई दादा लड्डू में तोला गया, तो ये कहीं से कहीं तक बराबर बात नहीं है। एक आमदार होने का वो कहीं से कहीं तक फर्ज नहीं निभा रहे। हम शहर की आवाम से ये पूछना चाहते हैं कि आप शहर की आवाम मुफ्ती साहब से सवाल करो कि रोड का काम क्यों रुका हुआ है और इसकी वजह क्या है, आपको दुश्वारी क्या है, आपको क्या दुश्वारी आ रही है, ऐसा खुल के बता दो ना। अगर आपसे नहीं होता हुआ तो और आप देखो, मुफ्ती साहब एक आलिम हाफिज कारी है, आपका काम आप करो और जो सियासी अपनी लोग हैं वो सियासत का काम वो लोग कर लेंगे, क्योंकि आप है आलिम जिसको बोल नहीं पाते और लोग हैं तो तुमको आलिम क्यों दीजिए, तुमको नहीं बोल पाते। तो बहरहाल हमारी गुजारिश ये है कि मुफ्ती साहब आप जामा मस्जिद संभालो है ना, दर तो कुरान कीजिए पूरे शहर के अंदर है ना, और दीनी जलसे लीजिए जिससे जो शहर की आवाम जो नशे में रुक चुकी है और जो खराब काम हो रहे हैं, हो सकता है आपके इस्लाही मुआशरा करने से आवाम सुधर सकती है। अगर एक आदमी भी अगर सुधर गया आपके बोलने के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ मैं, जितनी आप साल की 10 साल की जो कार्यकर्ता है आप साल तो 10 साल जितने भी आपने काम किए नहीं किए, मैं समझता हूँ अगर एक आदमी अगर अच्छी राह पे अगर आ गया तो ये तुम्हारे 10 साल वायबार चले जाएंगे, लेकिन वो एक आदमी अगर सुधर गया अगर तो अल्लाह आपको जन्नत दे सकता है, उसके जरिए उसके घर वालों को दे सकता। तो मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के मुफ्ती साहब आप मस्जिद मदरसा संभालो और सियासत करने वालों को सियासत करन दो, क्योंकि शहर की भी बदनामी होती, उलमाओं की भी ये बदनामी होती और हमको तंकीद किया जाता है कि उलमाओं खराब मत बोलो
अरे हम उलमा को खराब नहीं बोल रहे, यहाँ का जो नाकारा MLA है हम उसको खराब बोल रहे, हम कोई आलिम ना कारी ना हाफिज ना मुफ्ती को खराब बोल रहे। आज अगर मंत्रालय भवन में जाओ तो बड़े बड़े लीडरान बोलते हैं, अगर बोल दो उनको कि हमारे शहर का MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है तो डायरेक्ट बोलते हैं, सिर्फ बोले पैसे की बात करते, दूसरी कोई बात नहीं करते। तो मेरी शहर की आवाम से और यहाँ के जो कमिश्नर साहब है ना और यहाँ के जो MLA साहब है, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर 8 दिन के बाद, आज तारीख देख लो आप, आज मेरे ख्याल से 11 तारीख है, अगर 20 तारीख तक अगर ये रोड का काम स्टार्ट नहीं हुआ, कमिश्नर साहब आप भी सुन लो और पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी है अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी, आप लोग को भी बोल दे रहा हूँ मैं और यहाँ के MLA साहब को भी, अगर 20 तारीख से अगर रोड का काम स्टार्ट नहीं हुआ, 21 तारीख के दिन यही जगहों पे हम बेमुद्दत हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे।